हेलो गाइस, मैं ऐसे तो आज 5 दिन के बाद होश में आया हूँ। मेरा कोई गलती नहीं था, मैं बाइक लगा के रुका हुआ था, एक कार वाला ने हमको देखो मार दिया। कार वाला जो है सो पीछे से मार के, हम रुके हुए थे बाइक। मेरे पापा का स्वास्थ्य विभाग में जॉब था, छूटने के बाद पूरा जिम्मेदारी मेरे ऊपर था, घर का मैं कमा रहा था, लेकिन कार वाला मार के भाग गया। लेकिन स्थानीय लोगों ने हमको हॉस्पिटल ले गया, लेकिन हॉस्पिटल का खर्चा ही इतना आ गया है दोस्तों, देख सकते हैं जो पूरा बड़ा मुंह में काटा पड़ा हुआ है, ब्रेन में चोट लगा बहुत ज़्यादा। तो मेरा कोई गलती नहीं था, मेरा बाइक भी टूट गया है। गाड़ी वाला जो है सो पिकअप में था, या ड्रिंक किया हुआ था, क्या नहीं किया था, मैं रुक करके कॉल से बात कर रहा था, पीछे से मारा था वो, और मेरे माथे से इतना खून निकला जो मैं गाड़ी का नंबर भी नहीं पहचान सका कि किसका गाड़ी है नहीं है। मैं ICU में चला गया था। तो अच्छी आप लोग जितना हो सके हेल्प कीजिए। 8 दिन के बाद मैंने को फिर हॉस्पिटल जाना है, अभी हमको वहीं पे रखता, लेकिन उसका चार्ज कुछ ज़्यादा था, बोले चलिए घर पे जाके आराम करेंगे। दवाई देख सकते हैं कितना दवाई है, खाते खाते पागल हो गए। दवाई देख सकते हैं 10,000 15,000 का तो टोटल दवाई है, टोटल दवा देख सकते हैं, खाते खाते पागल हो जाएंगे दवाई। लेकिन गाड़ी वाला के देखिए जो ठोक करके भाग गया, इसको देखना चाहिए भाई गलती किसका है, हमको उठा के ले जाना चाहिए। लेकिन स्थानीय लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ, नैनपुर के जो भी स्थानीय लोगों हैं तो उनको ले गए, आराम से इलाज भर्ती करा दिए, उससे मेरा जान तो बच गया। लेकिन अभी मैं काम करने लायक नहीं हूँ, क्योंकि मेरा बहुत चोट लगा है, और मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाऊँगा, तबीयत तो भी ख़राब है। एक छोटा सा क्लिप बना के यूट्यूब पे डाल देता हूँ, अभी मैं 1 महीना वीडियो नहीं बना पाऊँगा, इसलिए सो सॉरी। और जब तबीयत वगैरह ठीक हो जाएगा फिर से मैं वीडियो बनाऊँगा, और 10 15 दिन में तबीयत ठीक होने के बाद मैं काम भी ज्वाइन करूँगा फिर से, जहाँ काम करता था स्मार्ट बाज़ार पटना, और वहाँ पर फिर मैं ज्वाइन कर लूँगा। अभी मैं बोल दिया मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा कोई गलती नहीं था, पीछे से वो ठोका है, हम ही ठोके हैं, हम तो 5 साल से गाड़ी चला रहे थे, कहाँ आज तक कभी किसी को नहीं मारे हैं। और जितना हो सके आप लोगों को यदि वीडियो सपोर्ट करने का कुछ इच्छा हो तो मैं अपना अकाउंट नंबर और UPI ID डाल दूँगा, हो सके कुछ सपोर्ट कर दीजिएगा, खर्चा बहुत आ गया है। मेरी दीदी लोग हेल्प की है तब मैं इतना ठीक हुआ हूँ, नहीं तो मैं ठीक होने का कगार पर नहीं था, पैसा तो बहुत लगा है मेरे में, अब मैं थोड़ा स्वस्थ हुआ हूँ, थोड़ा स्वस्थ बोल रहा हूँ, आप लोग से बात कर रहा हूँ, और आप लोग थोड़ा वीडियो अपलोड करूँगा कुछ देर बाद यूट्यूब पे, थोड़ा हेल्प कर दीजिएगा, जितने भी सब्सक्राइबर हैं देख रहे हैं चैनल को सपोर्ट कर दीजिएगा, जितना हो सके सपोर्ट कर दीजिएगा तो कुछ हेल्प हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मैं बनाऊँगा पट्टी वगैरह खुलने के बाद ही वीडियो बनाऊँगा, पैर भी टूटा हुआ, कहीं बाहर भी नहीं जा सकते हैं ना, पैर टूटा हुआ, मुँह में कांटा पड़ा हुआ, खाना भी नहीं खा सकते हैं, लिक्विड चीज़ खाते हैं। चलिए।